हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमृता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूं। हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के बाद जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया है। कोविड वैक्सीनेशन पे हो रही स्टडी से जैसे जैसे डेटा आ रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ चेंजेस भी किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वैक्सीन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। पिछले एक हफ्ते में कुछ बदलाव लाए गए हैं जिससे हम सबको अवेयर होना चाहिए, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगी। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीड करा रही फीमेल्स और जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनमें कोविड वैक्सीन को लेके मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और कोविड वैक्सीन से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए एक एक करके इन चेंजेस को डिस्कस करते हैं। पहला बदलाव जो है वो 13 मई को किया गया है कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच के इंटरवल को लेके। पहले ये इंटरवल जो था वो शुरू में 4 to 6 वीक पे था, फिर इसे चेंज करके 6 to 8 वीक कर दिया गया है, और अभी इसे 12 to 16 वीक कर दिया गया है, यानी 3 से 4 महीने। ये बदलाव जो है वो इसलिए किया गया है कि स्टडी में पाया जा रहा है कि अगर इस गैप को 12 टू 16 वीक रखते हैं तो वैक्सीन की एफिकेसी ज़्यादा है। कोवैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच के इंटरवल को चेंज नहीं किया गया, वो पहले की तरह 4 से 6 हफ्ते ही है। कोविन पोर्टल जो है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, और अगर आप अभी अपॉइंटमेंट लेते हैं कोविशील्ड के सेकेंड डोज के लिए तो आपको अपॉइंटमेंट 12 टू 16 वीक पे ही मिलेगा। अगर आपने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है और आप अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे वैक्सीन के लिए, बट बेटर ये है कि आप खुद से इसे रीशेड्यूल करके 12 टू 16 वीक पे कर लें। कुछ बदलाव जो हैं वो 19 मई को किए गए हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि पहले वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल यानी दूध पिला रही महिलाओं में कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, यानी इनको नहीं देना था, लेकिन अभी जो है वो ब्रेस्ट फीड करा रही महिलाओं में वैक्सीन को रिकमेंड कर दिया गया है। ये महिलाएं भी वैक्सीन ले सकती हैं, प्रेगनेंसी में अभी भी वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस वैक्सीनेशन से आपको फ़ायदा ये है कि इन्फेक्शन से बचाव होगा, अगर इन्फेक्शन होता है तो सीवियर इलनेस से बचाव होगा, और ये भी पाया जा रहा है कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेगी वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में भी जाएगा और उसको भी काफ़ी हद तक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप नहीं करना है, और वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आपको दूध पिलाना कंटिन्यू रखना है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको वैक्सीन थोड़ा रुक के लगवाना चाहिए, जिसको टेम्परेरी कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको अभी कोविड इन्फेक्शन है, कोविड इन्फेक्शन के लिए प्लाज्मा थेरेपी लिया हो, या किसी और बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती हो, तो इसमें पहले ये बोला गया था कि आपको वैक्सीनेशन जो है वो 4 से 8 हफ्ते के बाद कराना चाहिए। इस ड्यूरेशन को अभी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है तो आपको रिकवरी के 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन कराना है, अगर आपने प्लाज्मा थेरेपी लिया है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अगर आप किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो इस ड्यूरेशन को पहले की तरह ही रखा गया, आप 4 से 8 हफ्ते पे वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया है, चाहे कोविशील्ड लिया हो या कोवैक्सीन लिया हो, और आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो सेकेंड डोज कब लेना चाहिए? तो सेकेंड डोज जो है आपको रिकवरी के 3 महीने के बाद लेना चाहिए। एक पॉइंट ये बोला गया है कि अगर आप को वैक्सीनेशन कराना है तो उससे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट से ये कन्फर्म नहीं करना है कि आपको कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट उनके लिए है जिनको ब्लड डोनेट करना है, तो अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो RT-PCR रिपोर्ट के निगेटिव होने के 14 डेज के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर आपने वैक्सीनेशन कराया है तो उसके 14 डेज के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड पिछले एक हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, और अगर कुछ और भी चेंजेस होता है तो मैं उससे आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे दूसरों को बेनिफिट हो सके, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू।